फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रियल एडवाइजर पे, जहाँ पे आपको एक से एक एडवाइस दी जाती है, नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानकारी दी जाती है पूर्ण रूप से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो आप कैसे पहचानते हैं, डॉक्टर कौन सा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखते हैं, डॉक्टर कैसे बताते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए डॉक्टर के पास जाने के पहले, ये आपके लिए अति आवश्यक है। बिकॉज आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को क्या हो चुका है कि कैल्शियम की कमी हो चुकी है। कैसे पहचाने कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है? तो सबसे पहले कैल्शियम की कमी को पहचानने के लिए आपके बॉडी में थकावट, सबसे पहला क्या होता है कि आपके बॉडी में थकावट हो जाती है। सुबह से शाम नहीं होता है कि आपको थका थका आप महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि कुछ भी काम करें तो आंखें बंद हो रही है, नींद आ रहा है, थकावट हो जा रहा है। उसके बाद हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों का कमज़ोर होना तो हड्डियों से आवाज़ आना, बॉडी में जब आप सोते हैं तो पैरों का घिंचाव, बॉडी में घिंचाव पेन के कारण मांसपेशियों में दर्द उठना, आपके मसल्स में पेन हो जाना, नसों में घिंचाव होना, जो आपके वेन है तो नसों में भी घिंचाव होते हैं, दिल से संबंधित यानी क्या होता है कि हार्ट में भी आपका कुछ प्रॉब्लम, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो चेस्ट में आपको कुछ साउंड अटैक आना, जैसे घड़घड़ाहट ऐसा कुछ हो गया, तो ये भी एक रीज़न होते हैं। और बॉडी पेन, जो जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया कि बॉडी पेन होना, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, ये सारे लक्षण जो हैं वो है आपका बॉडी में कैल्शियम की कमी के लिए। तो कैल्शियम की कमी के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखते हैं, वो कैसे पता करते हैं, वो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले वो टेस्ट करेंगे, इस सारे कंडीशन में वो आपका टेस्ट करेंगे ब्लड का टेस्ट। ब्लड टेस्ट के बाद वो करेंगे यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के बाद कहीं कहीं नीड के हिसाब से, जैसे यदि आपको कमर में दर्द है, कहीं कुछ पार्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पेन है तो वहाँ पे वो करते हैं एक्सरे। ये सारे टेस्ट जो होते हैं, और उसके बाद एक टेस्ट आता है बोन डेंटिस्ट टेस्ट। तो जहाँ पे बोन का क्या पोजीशन है, बोन कैसा है, ये सारे टेस्ट आपको कैल्शियम की जानकारी के लिए किया जाता है। लेकिन कैल्शियम को कमी को दूर करने के लिए आपको क्या है, कैल्शियम के मेडिसिन ले सकते हैं, आप खाने पीने की चीज़ों पे सुधार कर सकते हैं, विटामिन डी युक्त आप मेडिसिन ले सकते हैं, विटामिन डी युक्त आप सब्जियों का आहार ले सकते हैं, सीजनेबल फ्रूट्स खा सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं, ये सारे चीज़, मिल्क दूध पी सकते हैं, और वो सारे स्रोत जिसमें विटामिन डी की मात्रा अत्यधिक हो वो आप लें। डोज आपको ज़्यादा होना चाहिए खाने का, यानी कि खाना पेट भर के खाना है, संतुलित आहार लेना है, पौष्टिक भोजन लेना है। ये कैल्शियम के बारे में आपको आज जानकारी मैं दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।